कौन कैसे कपड़े पहन के आ रहा है उस पर ना ध्यान दे के भगवान पे ध्यान दे। बहुत तो लोगों की अपनी सोच है ना, वो उन पे क्यों ध्यान दे के भगवान पे ध्यान दे ना। जो आप भूल कर रहे हैं ये पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो मैडम बैन होना चाहिए और छोटे कपड़े तो बिल्कुल ही बैन होने चाहिए। धार्मिक स्थल को पिकनिक स्पॉट ना बनाएं। भाई मंदिर आना है, ढंग के कपड़े पहन के आओ, वरना मत आओ ना, घर में पूजा करो। घर में तो मंदिर में तो अच्छे कपड़े पहन के आइए ना, अपना ध्यान भटकाइए ना दूसरे का। ये चीज आजादी का मतलब ये थोड़ा मंदिर होके चलो भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूँ आपके साथ ऋषभा। धार्मिक स्थलों पर क्या वेशभूषा होनी चाहिए और कैसे कपड़े पहनकर भक्तों को मंदिर में आना चाहिए, इसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं तेज हो रही है। आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों के मंदिरों में धार्मिक स्थलों पर अभद्र वेशभूषा बैन कर दी गई है। इसी के साथ मंदिर के बाहर पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि मंदिर परिसर में अमर्यादित कपड़े पहनकर भीतर ना आए। आपको बता दें, इसमें शॉर्ट्स, स्कर्ट और टॉर्न जीन्स यानी कि फटी हुई जीन्स या फटी कटी जीन्स पहनकर मंदिर में आना निषेध कर दिया गया है। तो आज इसी पर आज हम चर्चा करेंगे लोगों से और देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में हम मौजूद हैं, तो जानते हैं इस पर लोगों की क्या राय है। बहन जी, मंदिर में महिलाओं के या फिर पुरुषों के अभद्र वेशभूषा में आने को लेकर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको देखिए, क्योंकि जो हमारी जो भारतीय जो भारतीय हमारी जो संस्कृति है जी, उसके विपरीत कार्य होने जा रहा है। क्योंकि जो भी बच्चे हमारी होती है, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, जब उसकी शादी भी होती है तो घर में तो आप चाहे जैसे तो बच्चा रहे वो चलता है जी। लेकिन जब ससुराल में जाती है तो ससुराल में जाने के बाद उस घर की मर्यादा का कोई पालन करना पड़ता है। तो पूर्ण रूप से वस्त्र पहनने चाहिए शादी के बाद और उस घर की शोभा बढ़ानी चाहिए। घर की शोभा अपनी बहू ही है, तो उसी से हमारा एक वंश भी चलता है और हमारी पहचान भी वही कहने की। और स्त्री है तो हमारी बहन भी है, हमारी माँ भी है, वो सरस्वती भी है, वो गीता भी है, सीता भी है, हम उस नज़र से उनको देखते हैं। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न जो वेशभूषा पहन के आ रही है तो उसे हम क्या नाम दें हमें यही समझ नहीं आता है। एक तो शादी हुई परसों के रोज और आज टपकेश्वर के लिए दर्शन के लिए आ रही है, तो दर्शन के लिए आ रही है तो पूरा पूरा सुहागन बन के आना चाहिए। तो एक देवी का स्वरूप है, एक मर्यादा में है। लेकिन हम लोग देख रहे थे परसों तुम्हारी शादी हुई और तुम टपकेश्वर घूमने आए हो चाहे कहीं से भी आए हो, तो मैं कहता हूँ 4-7 इंची जो तो उसने एक चड्डी जींस की पहनी हुई है और ऊपर है तो ऊपर का भी पूरा वेशभूषा नहीं है और माथे में तो नहीं तो सिंदूर भी भरा हुआ और हाथ में प्लास्टिक की चूड़ियां भी है। अब उसे हम क्या नाम दें? आशीर्वाद कहते हैं, उसके पास पल्लू भी नहीं है, ऐसे बदनसीब होते जा रहे हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति के लिए ये अच्छा नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति के लोग नया नया फैशन अपना के कलंकित कर रहे, जींस भी होती है, फटी फूटी जींस पहन के आएंगे, अच्छे अच्छे घर के सब कुछ पढ़े लिखे हैं तो पूरी जांघें भी दिखा रही है, और कोई अगर कोई व्यक्ति कुछ बात करता है तो कहेंगे तुम्हारी निगाह खराब है, तो निगाह अपनी चेंज करो, तुम्हारी सोच खराब है, तो ये अच्छा नहीं। बीच में टपकेश्वर में भी एक दो घटनाएं घटी, हमने उनको वही समझाया तो इससे क्या होता है, मंदिर भी बदनाम होता है और परिवार भी बदनाम होता है, समाज में अच्छा मैसेज मिल जाता है। तो हर माता पिताओं को अपने बच्चों को अपनी बेटियों को बताना चाहिए, बेटा ये सही नहीं है, अपने पूर्ण वस्त्र पहनो, भगवान ने तुम्हें सुंदर स्वरूप दिया है, गोरा रंग दिया है, सुंदरता दी, पढ़े लिखे हो तो सभ्यता से रहना चाहिए और मंदिर में आने के बाद भगवान के दर्शन करने के बाद मन पवित्र होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे ऐसे वेशभूषा पहन के आते हैं तो बच्चे तो उनका मन गंदा होता है, फिर गंदी हरकतें करते हैं, फिर हम लोग समाज में एक दूसरे को हम दोष देते हैं, तो ये हमारे लिए उचित नहीं। तो इसके रोकथाम हो और इसलिए हमने टपकेश्वर मंदिर में भी दिया है, क्योंकि ये भी प्राचीन आदि अनादि कालीन तीर्थस्थल है, पूरे भारतवर्ष में विश्व में ये भी मंदिर माना जाता है और इस मंदिर में ऐसी कोई घटना घटे और कल टीवी में उसकी न्यूज चले तो आपके लिए और हमारे लिए इससे बढ़कर शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, तो क्या ये जो रूल बनाया गया है तो ये केवल महिलाओं के लिए है, इसमें पुरुष भी शामिल है? ऐसा पुरुष है ना, पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री। जी ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं भाई स्त्री को जो तो दबाया जा रहा है, अरे भाई आज़ादी का मतलब ये थोड़ा कि तो मंदिर होके चलो भाई, ऐसा नहीं है। और स्त्री है, स्त्री के अपने वेशभूषा में अपने इसमें मर्यादा में हो तो स्त्री है, तो सरस्वती है, पार्वती है, सब कुछ है हमारी नज़र में। और पुरुष है,
तो पुरुष स्त्री स्त्री में और पुरुष में बहुत अंतर है। तो पुरुष है तो पुरुष मैं कहता हूँ घुटने से चड्डी भी पहन के आता है या काम करता है, तो पुरुष के लिए ना स्त्री कोई ऑब्जेक्शन उठाती है ना कोई समाज में कोई उठाता है। अब पुरुष तो लगभग सभ्यता से पूरे कपड़े वस्त्र ही पहन के आता है, हम लोग को ऐसा भेदभाव या कोई ऐसे कोई मुद्दा नहीं बनाते। लेकिन औरतों को आपको भी पता है कि भाई एक स्त्री होती है, एक लज्जा होती है, एक हमारी इज्जत होती है, उसके बारे में कोई कुछ कहे तो खून उबल आता है और वो स्वयं इस तरह से करे तो हम लोगों की सुन नहीं। क्या नाम है? माइक वहीं रखो। चांदनी, आप कहाँ से आए? उत्तराखंड से। मंदिर में अभद्र कपड़े बैन करने की बात की जा रही है, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं या भक्त हैं जो अश्लील कपड़े पहनकर आते हैं उन्हें बैन करने की बात की जा रही है, तो आपका क्या कहना है? मेरा क्या, वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कपड़े पहनने की। अब सबको अपना अपना पसंद, हम किसी को ऑप्शन नहीं खा सकते ना कि इन्होंने गलत कपड़े पहने। जी है ना जी। और किसी को शौक होता है कि सूट पहन के आया है या वो कपड़े पहन गया, मेरे लिए हिसाब से तो गलत है, जो जिसकी जैसी इच्छा है वो पहन। जी, संत समाज जो है वो इसका बहुत खंडन कर रहे हैं कि जो लड़कियां हैं या फिर जो युवा है वो अश्लील कपड़े पहनकर आते हैं, उससे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, वो ये कह रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? वो तो लोगों की अपनी सोच है ना, वो उन पे क्यों ध्यान दे के, भगवान पे ध्यान दे ना, कौन कैसे कपड़े पहन के आ रहा है उस पे ना ध्यान दे के भगवान पे ध्यान दे। वो तो सबकी अपनी चॉइस है कैसे कपड़े पहन के आने कैसे नहीं, वो हमारे कहने से तो पहन के नहीं आएंगे। कपड़ों के लेने पे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये हमारी भारतीय संस्कृति में अवश्य है कि साड़ी में रहे, या तो एकदम साड़ी लागू कर दे या कपड़े पे किसी तरह का टिप्पणी ना किए जाए, क्योंकि मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी चीज़ है। मन में छल कपट धूर्तता रहे और वो श्रद्धा से अगर आ रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, और उसके अंदर जो छल कपट है वो बलिदान के लिए कोई विशेष महत्व नहीं करता है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात हुई, ये बहुत टाइम पहले होना चाहिए था। ये जो अभी मेरी अंदर पंडित जी से मैटर पर बात हो रही थी, वो कह रहे थे इतने मतलब आते हैं कि अच्छा नहीं लगता कि शॉर्ट कपड़े पहन के आप मंदिर आए हो जी। तो पूरे आपको ढंग से कपड़े पहन के मंदिर में मत्था टेकना चाहिए आपको। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भारत जो है आज़ाद देश है, और अगर बात प्राचीन काल की करें तो तब लोगों के पास वस्त्र भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वो मंदिर में दर्शन करने आते थे, तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं? देखो, उनकी सोच उनके साथ है, लेकिन अगर आप मंदिर आए हो तो पूरे धार्मिक के साथ अपने मन के साथ आए हो ना, तो मेरा मानना यही है कि आदमी को पूरे जो अब भूल करें ये पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए। मैम, आप क्या जी? मैम, आपने कहा पुराने टाइम पे उस समय नहीं थी सुविधा कपड़ों की या जिस चीज़ की भी जी, उस समय का मंदिर उस समय के हिसाब से था। आज जब हर चीज़ है तो कम से कम तरीके से पहनिए, और मंदिर आ रहे हैं तो कम से कम मंदिर में तो अच्छे कपड़े पहन के आइए ना, अपना ध्यान भटकाइए ना दूसरों का भटकाइए। जी, मंदिर में शालीनता से आने चाहिए, हमें वस्त्रों को लेकर बहुत ध्यान रखना चाहिए और हमें मर्यादित कपड़े ही पहन के आने चाहिए, जिससे लोगों की नज़रें ना भटके। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, अगर कोई दूसरे गंदे कपड़े पहन के आते हैं, अभद्र कपड़े पहन के आते हैं तो फिर लोगों का ध्यान इस तरफ जाता ही जाते हैं, तो फिर हमें मर्यादित कपड़े पहन के आने चाहिए, खास तौर पे लड़कियों को ज़्यादातर। हाँ, बिल्कुल, साड़ी और अपनी इंडियन वेशभूषा में आने चाहिए, जिससे क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का जो है आगे प्रचार प्रसार हो, उनको ये पता चले देख के, क्योंकि जो फॉरेनर्स आते हैं कि यहाँ पे इतनी शालीनता से लोग रहते हैं, मर्यादित रहते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम, बैन होना चाहिए, और छोटे कपड़े तो बिल्कुल ही बैन होने चाहिए। अगर आप मंदिर आ रहे हो तो कपड़े ढंग के पहनो, और थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ भारतीय संस्कृति को मानते हो तभी मंदिर आओ, वरना मत आओ। जी, पुरुषों को भी हाफ पैंट पहनने को लेकर अब कहा जा रहा है कि पुरुष भी जो है वो हाफ पैंट भी नहीं पहनकर मंदिर आए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये भी होना चाहिए बिल्कुल, या केवल महिलाओं की अच्छी होनी चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप किसी अच्छी जगह जा रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो, तो कपड़े अच्छे ही होने चाहिए। ठीक है, लगाया जाना चाहिए। जी, मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, तो कपड़े अच्छे पहन के आने चाहिए, अपना पूरा शरीर ढका होना चाहिए। जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि मन में भाव अच्छे होने चाहिए, वो भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फिर बिल्कुल ही आप ऐसे आ जाएं तो वो भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि हर एक तरह के घरों से लोग आते हैं तो वहाँ पर ठीक नहीं लगता इस तरह का। प्रतिबंध लगना चाहिए जी, हाँ, तो कपड़े जो है वही सही पहन के मतलब जाएँ, मतलब ये नहीं दिखावा, मतलब इस तरह से कोई अपना शरीर दिखा रहा है, कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए।